हम गांधी विधानसभा के मतदाता तो हैं, आप तो विधायक बन रहे हैं। आपको नमस्कार है और ये ज्यादा अच्छा जरूरी है कि काम भी करती हैं और अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ आकर के निभाएंगे, इनके लिए ज्यादा। जोहार नमस्कार। झारखंड में पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ और 1 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ। यह विधानसभा क्षेत्र आज झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन प्रत्याशी हैं। वो सीधे मतदाताओं के बीच में पहुंची थी बातचीत करने के लिए। पहले ये कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र रहा, यहाँ से सरफराज अहमद विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके कल्पना सोरेन के विधायक बनने का मार्ग को शांतिपूर्ण प्रशस्त करने का कार्य किया था। अब कई सवाल हैं, कल्पना सोरेन ने मतदाताओं से क्या बात किया, क्या प्राथमिकता है गांडे के लिए और क्या प्राथमिकता है झारखंड के लिए, क्या झारखंड की राजनीति यहीं से नया करवट लेगी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सीधे सुनते हैं कल्पना सोरेन को। देखिए, मैं सबसे ज्यादा खुश ये लग रहा है कि मैं जिस भी में जा रही हूँ 150 के ऊपर 170 तक सब जगह पहुँच चुका है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं और लोगों का अभी मैंने जितने बूथ में गई हूँ तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस पर्व को उत्सुकता के साथ मना रहे हैं और सुबह से ही तांता लगा हुआ है, बल्कि मुझे तो पता चला कि 6 बजे से लोग लगा के लाइन खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी किए हैं, वोट दे के घर भी चले गए हैं। तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगी कि आप लोग निकलिए और धूप मत देखिए, अपना कर्तव्य ज़रूर निभाइए। मुद्दा तो मैंने जो महसूस किया है अपनी तरफ से मैं कि रोड की मरम्मती में ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अंदर अंदर गांव में भी गई और पहुंचने में मुझे भी दिक्कत हुई है। तो मेरा पहला मुद्दा है कि रोड में मैं काम करना चाहूँगी और साथ ही साथ क्योंकि हमारी सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की जो यहाँ पर तकलीफ़ है वो उसमें मुझे काम करना है। हमारे झारखंड सरकार का जो अभी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना चल रहा है उसमें मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोलूँगी कि थोड़ा तेज़ी गति लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और साथ ही साथ जहाँ मैं जाती हूँ बच्चों के लिए वो हमेशा बोलते हैं कि हमको यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी भी यहाँ शुरू होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक अपना नॉमिनेशन के समय में वादा भी किया है कि मैं खास करके हमारी बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज मेरी तरफ से मैं ज़रूर खुलवाना चाहूँ। हेमंत जी के मामले को लेकर कितना गुस्सा है मतदाताओं? देखिए, अब हेमंत जी से जो स्नेह, हेमंत जी को जो झारखंड की जनता ने स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है वो अभूतपूर्व है। और गुस्से की बात, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं पूरा जनता का समर्थन है और उनका पूरा आशीर्वाद है। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये आशीर्वाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी यहाँ पर मैं दे रहे हैं और घर से निकल रहे हैं, यही खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। हाँ जी, झारखंड जी तो मजबूत है, क्योंकि ये चुनाव हमारा बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता त्रस्त है और जब जनता जवाब देने के लिए घर से बाहर निकल रही है तो मुझे लगता है कि हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को कि जनता का प्रतिनिधित्व जितने हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, हम मजबूती से अपनी जगह और अपनी मजबूती से।